आप देख सकते हैं कितनी मोटी बर्फ़ जमी हुई है, बहुत ही मोटी बर्फ़ जमी हुई है। ये श्रद्धालुओं के लिए कितना मुश्किल हो रहा है। जो आने वाले श्रद्धालु हैं इस वीडियो को देख के अपनी पूरी सेफ्टी के साथ आए ताकि कोई तकलीफ ना हो रास्ते में। एक तकरीबन 7-8 फुट बर्फ़ जमी हुई है, जो आर्मी वाले और सीआरपीएफ वाले जवान जिनको सत सत नमन है, जिन्होंने ये रास्ता बनाया है, हर हर महादेव, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत के साथ इस बर्फ़ में ये रास्ता बनाया है श्रद्धालुओं के लिए। हर हर महादेव, उनको सत सत नमन है ऐसे वीरों को, जो श्रद्धालु उनकी वजह से आज आसानी से इजली निकल पा रहे हैं इन बर्फीली जगहों से और भोले बाबा का दर्शन कर पाएंगे। हर महादेव, जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न दे, प्यासे को पानी। भोले भक्तों, हम लोग फाइनली जो है कि बाबा बर्फानी की गुफा के बहुत ही नज़दीक पहुंच चुके हैं। हम सोचे यहीं से आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, जो प्राकृतिक के गोद में बसे हुए हैं बाबा बर्फानी। हम सोचे यहाँ से एक वीडियो बना लें, आगे से कभी मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो हम और नज़दीक से आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल अभी हम उनसे आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ प्राकृतिक की गोद में जो भगवान भोलेनाथ बर्फानी बाबा बसे हुए हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं कि एक गुफा दिख रही है, यहाँ से थोड़ी जो लाल सा लगा हुआ है वही गुफा है। बाकी यहाँ के नज़ारे भी आप देख सकते हैं, चारों तरफ दिखाओ जरा, यहाँ बिल्कुल एकदम प्राकृतिक नज़ारा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही नज़ारा बना हुआ है, जो कि यहाँ के श्रद्धालुओं की भीड़ एकदम बिल्कुल उमड़ गई है। जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने श्रद्धालु इधर बालताल के रास्ते से आ रहे हैं और इधर पहलगाम के रास्ते से आ रहे हैं। वहाँ पे जो पिट्ठू होते हैं खच्चर, जिससे लोग बैठ के आते हैं, वहाँ पे सारे इकट्ठा हुए, वहाँ से सारे यात्री पैदल आ रहे हैं। ये जो ये वाला जो है पहलगाम वाला रास्ता है, जो उधर बर्फ़ के ऊपर से चल के लोग आ रहे हैं, वहीं से चल के हम भी आए हैं पहलगाम के रास्ते से। वो बर्फ़ जमी हुई है तकरीबन 7-8 फुट, उसके ऊपर हम चल के आए हैं, जो कि स्लिप बहुत कर रहा है। अगर आपकी यात्रा अभी बाकी है, आने वाले हैं, तो आप पूरे सेफ्टी के साथ आइएगा, क्योंकि ये धूप होने के कारण थोड़ी राहत है, प्रभु की कृपा है। अगर मौसम ख़राब हो जाए तो बहुत ही दिक्कत आ सकती है, बहुत ही परेशानी आ सकती है, यात्रा करने में बहुत ही दुर्गम हो सकती है। लेकिन कितना हो दुर्गम हो, भोले की कृपा से सारी यात्राएँ सबकी सुगम ही हो जाएंगी। लेकिन अपने से अपनी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, जो कि हमें तैयार होकर आना चाहिए। और इधर आप देख सकते हैं कितना सुंदर ऊपर बाबा भोलेनाथ के पास के, तो उनके चरणों से जो है कि ये झील बह के आ रही है, जो है कि बहुत ही पवित्र जल है, बहुत ही पवित्र जल है। मैं स्नान करके आया हूँ पंचमी से, फिर भी यहाँ से भोलेनाथ के चरणों का जो है कि जल अमृत आ रहा है, इसका मैं थोड़ा सा छिड़काव कर लिया हूँ। बाकी हम कोशिश करेंगे कि और पास से जाके बाबा भोले की गुफा का जो है कि वीडियो बनाएं, और नज़दीक से अपने भोले भक्तों को बाबा बर्फानी का वीडियो पहुंचा पाएँ। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हर हर महादेव कमेंट में लिखते रहिए और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। हम आपके लिए ऐसे तीर्थस्थलों के नई नई वीडियो लाते रहेंगे, बस आप लोगों का प्यार मिलता रहे। आपका छोटा भाई पूरी जान लगा देगा। हर हर महादेव।